हिरासत में लिए गए बसपा प्रत्याशी को भीड़ ने छुड़ाया। गड़बड़ी फैलाने का आरोप, पुलिस ने भांजी लाठियां। नगर पंचायत दोहरी घाट में चल रहे चुनाव के दौरान कस्बे के पुराना चौक पर चुनाव प्रेक्षक के साथ भारी संख्या में चल रही पुलिस फोर्स ने बसपा प्रत्याशी त्रिलोकी सोनकर को चुनाव में गड़बड़ी फैलाने का आरोप लगाकर हिरासत में ले लिया। अपनी गाड़ी में बैठा कर त्रिलोकी सोनकर को थाने ले जा रहे थे। इसकी भनक लगते ही बसपा समर्थकों ने लाहौरी माता चौक के समीप थानाध्यक्ष की गाड़ी को घेर लिया। गुस्साई महिलाएं पुलिस की गाड़ी से त्रिलोकी सोनकर को छुड़ाकर अपने साथ लेकर चली गई। समर्थकों की भारी भीड़ के सामने पुलिस असहाय दिखी। इस दौरान बाद में पुलिस ने डंडा पटक कर समर्थकों को खदेड़ दिया। उप जिलाधिकारी ने बताया कि पुराना चौक पर बसपा प्रत्याशी मतदाताओं पर वोट के लिए भीड़ लगाकर दबाव बना रहे थे, इसीलिए उनको हिरासत में लिया गया था। बसपा प्रत्याशी त्रिलोकी सोनकर का कहना है कि मैं चुपचाप पुराना चौक पर एक मकान में बैठा था, पुलिस जबरदस्ती हमें पकड़कर अपने साथ ले गई, जबकि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा था। सभी प्रत्याशी एक दूसरे से मिलजुल कर बात भी कर रहे थे। घटना के बाद नगर में अतिरिक्त फोर्स लगा दी गई है। मौके पर CO और SDM फोर्स के साथ जमे हुए हैं।